नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में मेगा रोड शो शुरू किया। पीएम का ये रोड शो 10 किलोमीटर लंबा होगा। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। निकाय चुनाव के बीच अखिलेश यादव की कर्नाटक यात्रा को लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की रणनीति का भी अहम हिस्सा है। बता दें कि कर्नाटक में सपा ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दौर में चल रहा है और बजरंग दल, बजरंग बली और हालिया रिलीज फिल्म द केरल स्टोरी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी राज्य के प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी जवानों को मार रहे हैं, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस दिन केरल स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। खाना जंगी हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी ताईद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो खाना जंगी हो रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है, जहां आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में महापंचायत होने जा रही है। इसको देखते हुए हरियाणा से सटी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ में दिल्ली से लगती 5 सीमा पर नाके लगाए गए हैं। किसी भी संदिग्ध वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का काफिला निकल रहा था। जैसे ही उनका काफिला गुजरा, दिल्ली पुलिस ने उन्हें और उनके काफिले को रोक लिया, जिसके बाद उनकी गाड़ियों की चेकिंग की गई। वहीं इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। बता दें कि पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर शहर शाहगंज और राहुल चौराहा होते हुए संपूर्ण नगर में ITBP कंपनी के जवानों के साथ पैदल मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक सुमेन वर्मा के निर्देशन में उपजिलाधिकारी नगर, अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव और निरीक्षक प्रभारी कोतवाली नगर के नेतृत्व में ये पैदल मार्च हुआ। इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी और ITBP कर्मियों ने नगर क्षेत्र के हर मोहल्ले और गली में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही नगरवासियों से मुलाकात कर सभी समस्याओं को भी सुना गया है। आने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CF फोर्स हमें, सेंट्रल आर्म फोर्सेस हमें मिले हैं, उन्हीं को लेके जो सेंसिटिव स्थान हैं उन स्थानों पे मेरे द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों और तथा यहाँ के जो पुलिस अधिकारी द्वारा
फुट पेट्रोलिंग की गई है, इसको एरिया डोमिनेशन भी बोलते हैं, ताकि जो भी वोटर्स हैं वो निर्भीक होके, निर्भय होके, निरपेक्ष तौर पे अपना जो वोटिंग अधिकार है, राइट है, उसका एक्सरसाइज कर सके। रायबरेली में घर से दुकान के लिए निकले मासूम बच्चे का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पेड़ से नीचे उतारा। पिता ने बच्चे की हत्या कर उसका शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे फेरू गाँव का है। रायबरेली में बेटे के तिलक में गए बुजुर्ग को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई। गोली लगने से घायल बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जसमऊ गांव के रहने वाले एक युवक के बेटे का तिलक चल रहा था, उसी दौरान कुछ लोगों ने तमंचे से हर्ष फायरिंग करने लगे और हर्ष फायरिंग में बुजुर्ग इसकी चपेट में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में जुट गई है। अनिल सिंह के यहाँ तिलक का प्रोग्राम था, फंक्शन था, उसी में खाना खाने सारे लोग गए थे। वहाँ लोग 400-600, 800, 1000, 500 की जनसंख्या में लोग खड़े थे, खाना खा रहे थे, उसी में फायरिंग भी हुई। फायरिंग हुई तो उसी में गोली इनके लगी। एक जयशंकर मिश्रा करके व्यक्ति हैं, जो 52 साल के हैं, खीरो से आए थे ये। बाकी इनके एग्जामिन करने पर पेट में दाहिने साइड इनके चोटें आई थी, बाकी एक जगह घाव था। बाकी अटेंडेंट से पता करने पर ही पता चला कि फायर आर्म इंजरी है, कहीं गोली लगा है, कोई इवेंट था उसी में गोली लग गया है। बाकी उनको एग्जामिन कर दिया गया है, एग्जामिन करने और ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको एडमिट कर दिया गया। बाकी सर्जन साहब देखे हैं, उनको रेफर कर दिए लखनऊ के लिए। बिजनौर के दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर स्थित मारुति के सर्विस सेंटर में अज्ञात कारणों के चलते अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए आई 5 गाड़ियां आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बैराज रोड पे मारुति शोरूम है, शाकुमरी के नाम से, शाकुमरी मोटर्स के नाम से। इसमें जो इनकी सर्विस के लिए गाड़ियां आई हुई थी उसमें आग की सूचना लगभग 8 बजे मिली थी और मोटरसाइकिल से सूचना देने आए थे। इस सूचना पर तुरंत ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। लगभग कितनी गाड़ियां? इनकी लगभग 4-5 गाड़ियां थी जो सर्विस के लिए आई हुई थी और स्क्रैप पड़ा हुआ था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।